लोग तो मुझे भर भर के बानी मार रहे हैं। मारो बानी, कितना मारना है मारो बानी। खाली गाली देने से वीडियो थोड़ी चलता है। किसी को गाली दे दोगे, खाली भकर भकर किसी का मोबाइल उठाओगे, कैमरा चालू करोगे, किसी को गाली दोगे कि उसको नाम बदनाम। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और वेलकम है आप लोग को हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी देखिए शाम का टाइम है, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। दोस्तों क्या कर रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब था, कल था करवा चौथ, आप लोगों को तो पता ही है। और तबीयत कल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा, क्या ही बताएं आप लोगों से। रात में मतलब जब पानी पिए ना, पहली बात तो महादेव जी हमसे गुस्सा थे, और पानी जब पिए उसके बाद नीचे आए, दवा खाए, एक दो घंटे के बाद से थोड़ा सा आराम जब हुआ, कैसे वो भी आराम हुआ, पूरा इतना ज़्यादा तेल ठंडा सर पे रखे, उसके बाद से आराम हुआ, दवा खाए तब जाके आराम हुआ। और दवा दोस्तों खाए उसके बाद जब आराम नहीं हुआ तब जाके तेल रखे। और दोस्तों कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि तेल सर पे रखा करो नहीं तो ये होगा होगा, सच्चाई है दोस्तों। बहुत दिन हो गया था तेल नहीं रख रहे थे सर पे, तो जैसे ही कल जब तेल रखे तो मेरा सर का दर्द एकदम मतलब सही हो गया, तब जाके रात में सो पाए। और दोस्तों इस समय बहुत सारा हमारे पे वीडियो बन रहा है और कमेंट भी आ रहा है, बहुत हेट हेट कमेंट आ रहा है, और कमेंट ये आ रहा है कि अपने पति को मारती हूँ। दोस्तों मैं क्यों मारती हूँ अपने पति को, कहाँ मैं मारती हूँ अपने पति को? दोस्तों वो तो कॉमेडी वीडियो है और स्टोरीबल वीडियो, आप लोग तो जान ही रहे हो। हमको लगता है जो नहीं वीडियो लोग देखते होंगे वही लोग कहते होंगे, हमको ऐसा ही लगता है। और बहुत लोग वीडियो भी बनाते हैं। और दोस्तों करवा चौथ वाला जो वीडियो गया था, हमारी रिया शूट की थी, हम लोग तो शूट नहीं किए थे दोस्तों, क्योंकि झगड़ा हो गया था ना, बता रहे थे ना कि झगड़ा हो गया था, शूट नहीं किए थे वीडियो हम, तो रिया शूट की थी तो उसी के चैनल पर गया था दोस्तों। थोड़ा बहुत जो मैं भी थोड़ा बहुत शूट की थी वो भी रिया पर ही मिला जुला करके 8 मिनट का वीडियो चला गया था रिया के चैनल पर। तो यही सब बात है दोस्तों। और हम यहाँ पर दोस्तों सोच रहे होंगे आप लोग भाभी कहाँ जा रही हैं। दोस्तों बातें आप लोगों से बहुत ज़्यादा करनी है और कर नहीं पाते हैं, चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों इस समय हमारे दुश्मन इतना ज़्यादा हो गया ना, आप लोगों से क्या ही बताएं। हर एक बात में उन लोगों को गलती मिल रहा है हमसे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बताइए? अपने रोजी रोटी में हैं, अपना खुद का वीडियो बना रहे हैं, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, और ना किसी के घर आना, ना किसी के घर जाना। अब दोस्तों देखिए युग जमाना बहुत ख़राब है, किसी के घर आने जाने लायक भी नहीं है। अगर आप किसी के घर जाते हैं बिन बुलाए तो कहेगा कुतिया की तरह चली आई। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही, हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी के घर कुतिया बनने जाऊँ, ठीक है? तो मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, पहली बात, कोई अगर नहीं बुलाता है तो नहीं जाती हूँ। हाँ कोई बुलाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है तो जाती हूँ, लेकिन वहाँ डेरा जमाने के लिए नहीं जाती हूँ, बस 5 मिनट से 10 मिनट। कई कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, कहीं कहीं मैं जाती हूँ तो खाना भी नहीं खा पाती हूँ। मान के चलिए कोई अगर फंक्शन होता है तो बहुत लोग होते हैं कि खाना खिलाना नहीं चाहते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन सब्सक्राइबर लोग भीड़े रहते हैं वहाँ पे, आप चाह कर भी नहीं खा पाते हो। और बहुत लोग होते हैं खाना रखा हुआ होता है, बोलते हैं बाद में चलेगा, खाना भी नहीं चलेगा, जिसको लेट जिसको जल्दी है वो जा सकता है। दोस्तों ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। और वो चलिए दोस्तों कुछ बोलना नहीं चाहते, अभी हम कुछ बोलेंगे तो हमारे महादेव जी हमारे पैसे ही फिरंट है, अभी और ज़्यादा फिरंट हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, जाने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, हम ही बुरे बने हैं, सबके नज़रों में बुरे बने रहने दीजिए, आप लोग हैं ना हमारे लिए, हम आप लोग के लिए हैं। और बहुत लोग एलर्जी ये भी है कि हम छोटे छोटे यूट्यूबर लोग आते हैं उनका, हम लोग हम सपोर्ट करते हैं, उनके चैनल का प्रमोशन करते हैं, उनका चैनल में कुछ खराबी रहता है तो बताते हैं, चैनल पर स्ट्राइक आया रहता है तो बताते हैं कि कैसे हटेगा क्या होगा, सारा चीज़ सही करवाते हैं, सेटिंग वगैरह। तो दोस्तों बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत लोग तो मुझे भर भर के
बानी मार रहे हैं, मारो बानी, जितना मारना है मारो बानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता है कि एक दो लोगों के गाली देने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जिसके सब्सक्राइबर लोग, जिसके फॉलोअर लोग, जिसके फैमिली लोग, जिसके मान के चलिए हमारी यूट्यूब फैमिली लोग हमारे साथ हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, आप ही लोगों की वजह से हमारा वीडियो चलता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो पसंद करते हैं, तो बहुत लोगों को उसमें भी आपत्ति है क्यों इसका वीडियो चल रहा है। अरे महाराज, खाली गाली देने से वीडियो थोड़ी चलता है, किसी को गाली दे दोगे, खाली भकर भकर किसी का मोबाइल उठाओगे, कैमरा चालू करोगे, किसी को गाली दोगे, उसको नाम बदनाम करोगे, उसको नाम सबसे भूल जाओगे, तो खाली गोरखपुरिया भौजी को पाओगे, गोरखपुरिया भौजी का नाम लोगे, उसको फेमस, उसको बदनाम करोगे और उसके नाम से फेमस होगे और उसके नाम से डॉलर छापोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी पी के गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या है, हम तो भगवान के ऊपर छोड़ दिए, माता रानी के ऊपर छोड़ दिए हैं कि हे माता रानी, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा उसका फल आप देना मुझे, और जो मेरे लिए गड्ढा खोदता है ना, उसको आप उसी गड्ढे में गिराना, और माता रानी ना गिराती हैं। ठीक है, माता रानी उसका फल उसके सामने ही देती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। जो हमारे लिए दोस्तों बुरा चाहता है ना, बुरा सोचता है ना, माता रानी उसको फल दे देती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। अब माता रानी उससे कहने थोड़ी आएंगी कि हम इसका फल तुमको दिए हैं, कहने थोड़ी आएंगी। अरे कुछ अपना भी दिमाग होता है, समझना चाहिए, जैसे तुम बानी किसी को मार रहे हो उसे समझो कि क्या कर्म की हो कि ऐसा भोग रहे हो, समझना चाहिए ना। चलिए दोस्तों, बहुत लोग हमको निर्वंशी कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा ना, अरे यार उसमें मेरा क्या गलती है, बेटा नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, किसका बेटा क्या दे रहा है साला, हट बेटा सेटा, बेटी है ना मेरी, तीन तीन बेटियां हैं मेरी, मैं अपने बेटियों के साथ खुश हूँ और हमेशा खुश रहूंगी। माता रानी से यही प्रेयर करती हूँ कि माता रानी, जैसे आपने हमें तीन बेटी दी हैं, तीन लक्ष्मी दी हैं, जैसे जब से हमारी बड़ी बेटी रिया हमारी जिंदगी में आई, हमारा जीवन धन्य हो गया और हमारा जीवन बदल गया, और बहुत किनारे में आकर के दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, महादेव जी बार बार बुला रहे हैं, तो चाह रहे हैं हम, नहीं तो अभी उल्टा समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था। ये हमारा जो मकई का खेत है, कोई हम लोग नहीं थे खेत घर पे, जब नहीं थे तो कोई काट ले गया ये पूरा मकई, ये क्या बताएं आप लोगों से। और दोस्तों अभी घर का जो काम है, अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी चालू है, पूरा काम चल ही रहा है, रंगैया पोतैया का काम चल ही रहा है, बैक कैमरा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये बड़ी वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे वो वाइट वाली गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है। अरे ये मेरा घर का लोकेशन। बाकी यहाँ पे बच्चे लोग हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई तो कर। ए लड़की इधर आना, तुम लोग क्या कर रहे हो, काहे लड़ाई कर रहे हो, चलो बोल दो कुछ तो। नमस्कार, पड़ा होंगे पे मुझे मछली बेटी कर चुका कर रहे हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ा। तुम नहीं बोलोगी? नमस्ते, प्रणाम, गोरखपुरिया भौजी की छोटी बेटी को चला था, मैं ना हेलीकॉप्टर उड़ा रही हूँ, अभी देखो कैसे उड़ेगा। यहाँ दिन भर ओरिजिनल वाला उड़ेगा वो। अरे इस गप को देना, चला देती है, अखिये फोड़ दे ले रहा था मैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वहाँ पे आई है एक सिस्टर, चैनल का नाम बताइएगा, अपने चैनल का नाम बताइए। सोनी निषाद E5Z। दोस्तों इनके चैनल का नाम है सोनी निषाद E5Z, और ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई है, लाइएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे लिए बुझा रहा है, लाना होगा लेकर आई है, ये देखिए बहुत खतरनाक लेकर आई है, ये तो लग रहा सूट लेकर आई है दोस्तों, देखिए क्या है ये, खोल के दिखाएं क्या, नहीं तो दोस्तों देखिए फ्रॉक सूट है, लग रहा है लेकर आई है, और यहाँ पर मिठाई लेके आई है, आइए आप लोग भी मिठाई खा लीजिए और इनके चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उधर गोल्डन भी हाई कर रहा है, उसका भी चैनल है भाई, गोल्डन गोल्ड ऑफिशियल।